कोरोना के अंदर देखा होगा, कोरोना के अंदर बाकी सारे लोग अपने घरों में घुस गए थे। क्या ये चीज सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हैं गणेश साहब, आप तो अच्छे से जानते हैं, यहाँ जितने बैठे सभी जानते हैं, सारे अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। कोई भी व्यक्ति अपनी जान के जोखिम से डर रहा था, जान का खतरा था उनको, और खतरा इस बात का था कि अगर कोरोना हो गया तो मैं जिंदगी से चला जाऊंगा, वापस बता नहीं हॉस्पिटल से भी वापस घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा, हॉस्पिटल भी पहुंचाऊंगा कि नहीं पहुंचाऊंगा, डरे हुए सहमे हुए आमजन के अंदर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय भी घर घर में जाकर सेवा कर रहा था, हॉस्पिटल के अंदर भी जाकर जान को जोखिम में डालकर काम कर रहा था। इसका उदाहरण हमारा रमेश भाई जी, ये कहा रमेश जी, रमेश जी खड़े हो, रमेश जी के लिए ताली बजाओ। रमेश जी ने कोरोना के टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते 4 महीना कंटिन्यू जब कोरोना था तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन इस व्यक्ति ने सेवा नहीं की हो, वहीं पर रात को सोना और वहीं पर रहना, उनके बीच कर सब लोग रहे। ऐसे पूरी एक रमेश जी का नाम है, लेकिन ऐसी एक फौज थी इनके साथ, पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सारी लगे हुए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कौन कर सकता? ये वही सोच का व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच ऊंची हो। हर व्यक्ति की सोच धीरे 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 डेवलप होती है, एक साथ किसी की सोच आगे नहीं बढ़ सकती। हमने देखा होगा कि मैं जब छोटा था, राजनीति की मैंने जब शुरुआत की थी, उससे पहले मेरी सोच एक सीमित कॉलेज तक थी, क्योंकि मैं कॉलेज की राजनीति करता था, मेरा दायरा वहां तक सीमित था, एक कॉलेज तक। फिर धीरे से आगे कुछ और बढ़े तो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा, तो वार्ड तक सीमित हो गया मेरा दायरा, थोड़ा और विस्तृत हुआ। और उसके बाद में फिर जैसे ही जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का आया तो फिर विस्तृत हुआ, जिला परिषद एरिया वहां तक की सोच बढ़ी। फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा तो एक विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार बना, और उसके बाद में वहां तक की सोच बढ़ी। फिर इसी प्रकार से लोकसभा की जिम्मेवारी आई तो लोकसभा एक पूरा परिवार होने लगा जैसा मेरा पूरा परिवार है, एक सोच का दायरा बढ़ा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे देश के कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी दी, तो सोच का व्यापक दायरा पूरे देश का बन गया। और पूरे देश का जब व्यापक दायरा बनता है तो मैं सोचता हूँ कि यह हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय होता है। और मैं सोचता हूँ यहाँ पर जितने लोग बैठे सबका दायरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये कहा कि मेरा देश पूरा मेरा परिवार है, तब से हर व्यक्ति ये सोचने को लग गया है कि हम वसुदेव कुटुंब की बात सिर्फ पहले कभी किया करते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तब से हमें लगता है कि पूरा देश हमारा परिवार है, और ये परिवार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने दिल में महसूस करता है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब हम सब परिवार के सदस्य हैं तो इस परिवार के सदस्य होने के नाते धीरे धीरे आज की राजनीति के अंदर जिस तरह से जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, हाँ जातिवाद की एक तरह में वर्ण व्यवस्था बनी थी कोई टाइम के अंदर, लेकिन वर्ण व्यवस्था के बाद में जातियों को आगे जाति से जाति में बांटते बांटते यहां तक पहुंच गए, अब जाति में से जाति निकाली जा रही है। हम जातियों में बांटने के लिए ये जिस तरह के लोग लगे हुए, एक तरफ तो वो चीज है कि जहां पर हम जाति के अंदर देखते हैं कि पूरा उनका पूरा धर्म का नाम पुकारा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर देखते हैं कि जाति के अंदर जाति निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के रूप में इस देश के अंदर जाति के अंदर जिस तरह से जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं ये जो सनातन संस्कृति है, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन संस्कृति है ना, ऐसी संस्कृति दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हम सौभाग्यशाली है कि हमने जन्म इस देव भूमि के ऊपर लिया, भारत भूमि के ऊपर जन्म लिया, और हम सभी भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जिस तरह से षड्यंत्र के रूप में हिंदुस्तान को कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं, विदेश में जाकर हिंदुस्तान को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, जैसी होड़ मची है, इस तरह से दूसरे देशों की तारीफ करना, ये जो जिस तरह की सोच इस देश के अंदर चल पड़ी है,
उसको रोकने का अगर कोई प्रयास करेगा और रोकने के लिए कोई आगे आकर खड़ा होगा, जिसके दिल में आग लगी होगी, जिसके दिल में यह होगा कि मेरे लिए सबसे पहले देश है, सबसे पहले मेरी मातृभूमि है, वही इस देश को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाला ही निश्चित रूप से भारत की बात करेगा और देश की बात करेगा। जिनकी सोच इस देश की नहीं है वो क्यों हिंदुस्तान की बात करेगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी आज ऐसे समय के अंदर यहां पर जब हम सेवा का पखवाड़ा बना रहे हैं, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे लोकसभा के अंदर आशीर्वाद दिया, लोकसभा के अंदर आज से 5 साल पहले, उससे पहले विधानसभा के अंदर, और उससे पहले जिस तरह से एक राजनीति के अंदर काम करते, तो जिस तरह से छोटे से छोटे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर जिस तरह से आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज मैं मंच पर खड़ा हूं और आज इतने सारे लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो उसके पीछे आप सभी जो मुझे आए हैं, तो इसके पीछे कारण है तो आपका प्यार और आपका स्नेह। और किसी के लिए दिल में स्नेह और प्यार बनाना कोई इतना आसान नहीं होता है। ये आपने मुझे प्यार दिया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एहसान मैं आपके जीवन में कभी उतार नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा आपका ऋण है। और निश्चित रूप से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे आने वाले कल के अंदर यहां पर जितने आप सभी बैठे हैं, हम जब बैठे हैं तो ये जरूर सोचें कि हमारे लिए आने वाला कल कैसा हो, हमारा भविष्य कैसा हो, हमारा देश सुरक्षित कैसे हो। देश सुरक्षित की मैं जब बात करता हूं तो ये नहीं सोचे कि ये पूरे देश की हमारे ऊपर ही सारी चीजें हैं। देश सुरक्षित करने के लिए यहां से लेकर और ठेठ दिल्ली तक, यानी कि बॉर्डर से लेकर और ठेठ तक हमारे दिल्ली तक जो है, या पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व से पश्चिम, पूरे भारत की मैं जब बात करता हूं, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा षड्यंत्रकारी इस देश के अंदर जो देश को कमजोर करने की सोच रखता हो, उसको जब भी अगर कहीं हमारे आसपास दिखे तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से एक छोटी सी बात को चिंगारी बनाई जा रही है, पिछले कुछ समय से छोटी सी बात होती है उसको चिंगारी किस तरह से बनाने का काम अगर करना है, तो आप देख लीजिए कि पिछले इन 5-7 सालों के अंदर जिस तरह से वैमनस्य घोला जा रहा है, जिस बात का इस देश से कोई संबंध नहीं या कि सरकार से कोई संबंध नहीं, उस बात को पूरे विश्व के अंदर नैरेटिव फैलाना, पूरे देश के अंदर इस प्रकार का नैरेटिव फैलाकर और देश को किस तरह से धीरे धीरे करके अंदर से खोखला करने की और जाति को जाति से लड़ाने की साजिश रचने के लिए, आपने देखा होगा अभी किसने कॉल किया था, SC ST के भाइयों को इस तरह से बरगलाया गया, इस तरह से भड़काने का काम किया, और उसका परिणाम ये रहा कि आपने देखा होगा भारत बंद कॉल हो गया, पता नहीं किसने कॉल किया, किसने किया, और सोशल मीडिया के ऊपर पूरा भारत बंद का आह्वान हो गया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो SC ST के भाई इस देश के अंदर जिन्होंने 2 तारीख को अलगाव फैलाने के लिए जिस तरह से यहां पर काम किया था, झूठे जिस तरह से प्रचार करने का काम किया था, वो आज लोग वो कहा है, जब राहुल गांधी ये कहता है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे तब उनकी बोलती बंद क्यों हो गई, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है इस तरह से? ये आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनकी बोलती बंद क्यों है, कि उनको सिर्फ ना उनको कोई SC ST से मतलब है, ना कोई आरक्षण से मतलब है, और उनको तो एक ही मकसद है, उनका पूरा जितने भी षड्यंत्रकारी और देश के जो गद्दार ऐसे लोग जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके सबका एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से हम कमजोर करें और नरेंद्र मोदी जी कैसे इस देश से हम प्रधानमंत्री पद से आए। इस षड्यंत्रकारी सोच के पीछे ही सारा देश के अंदर एक व्यवहार वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी ने निवेदन करना चाहूंगा, इस षड्यंत्र को बचाने का काम अगर कोई कर सकता है, जब जब अवसर समय आया है, चाहे देश की आजादी से लेकर हो, देश की आजादी से पहले से लेकर हो, इस देश के अंदर निरंतर यह प्रयास हुए कि देश को हम आजाद करें। आजाद करने वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत का विभाजन भी हो जाएगा, लेकिन मैं आप उस बात की ओर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमें आने वाले समय के अंदर आज के दिन इस सेवा के संकल्प के पखवाड़े के ऊपर ये संकल्प लेके जाना है यहां से,
कि जिस तरह से हम आने वाले समय के अंदर इस देश को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी ढाणी के अंदर आसपास कौन सी ऐसी गतिविधि हो रही है, उस गतिविधि के ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा। हमें अपने सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समरसता का भाव हो, चाहे सामाजिक ताना बाना हो, उसको हम सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर कैसे बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को और विशेषकर इस बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर बिगाड़ने के लिए लगे हुए। हमें उसको बचा कर रखना है, उसको बना के रखना है, और वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हम सभी यहाँ पर बैठे जितने भी भाई हैं, हम सब आने वाले वक्त के अंदर हम अपने सामाजिक ताने बाने को और मजबूत बनाकर गाँव के अंदर एक सामाजिक माहौल, ऐसा वातावरण बना के रखें कि हमारे सामने आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो उसका हम समाधान करने में हम सभी मिलकर सक्षम हो सके। और ये इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि पहले भी जब भी भारत के ऊपर कभी कोई चीजें हुई तो हमारी आपस की फूट की वजह से हुई थी, और वर्तमान में हमें आपस में एक रहने की आवश्यकता है। हमें आने वाले समय के अंदर देश को मजबूत करने की आवश्यकता है, हमारे क्षेत्र के विकास की आवश्यकता है, हमारा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें कैसे काम किया जाए, किस प्रकार से हम काम करके इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं पहले जिस तरह से विधानसभा के समय में जब मुझे आशीर्वाद भाई तू की जनता ने दिया, मैंने हमेशा यही प्राथमिकता रखी कि मेरे भाई तू विधानसभा क्षेत्र का मैं ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करूं। और उसके बाद में जब लोकसभा की जिम्मेवारी आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ वो ये था कि मेरे क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने काम थे वो मैंने पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ में करने का प्रयास किया। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होने की वजह से राजस्थान की सरकार ने काम के अंदर बाधा डालने का प्रयास किया, उसमें कई ऐसी चीजें आ सकती है जिसमें अभी आदुराम जी कह रहे थे कि ये बाजरा अनुसंधान केंद्र जो बनकर 2 साल पहले खड़ा हो जाता, जमीन उपलब्ध नहीं हुई। इसी प्रकार से एयरपोर्ट का विषय था जो खड़ा हो जाता, बनकर तैयार हो जाता, लेकिन उसके अंदर भी जमीन उन्होंने नहीं दी, अब मिली है तब काम होगा। तो इस प्रकार से काम के अंदर बाधाएं जरूर आई, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो राजस्थान की सरकार है, वो राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से गांवों के अंदर विकास कैसे हो, शहरों के अंदर विकास कैसे हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, इसके लिए भजनलाल जी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। भजनलाल जी ने जिस प्रकार से 4-5 महीनों के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर जिस प्रकार के प्रदेश को संभाला है, जिस प्रकार से यहाँ पर गुंडा राज होता था उसको किस प्रकार से कंट्रोल करने का काम किया है, यहाँ पर जिस तरह से अराजकता का माहौल था उसको जिस तरह से कंट्रोल करने का काम किया है, जिस प्रकार से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनी हो या अन्य प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार के जिस तरह से अवसर उपलब्ध करवाए गए हों, तो ये राजस्थान की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी जिस प्रकार से काम हो रहा है, काम की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से काम होगा। और काम जब जब भी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करती है तो वो काम सबकी सोच रख के किया जाता है, किसी एक परिवार की सोच को रख के नहीं किया जाता है। सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर काम किया जाता है। तो मैं तो आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर हमारे इस चुनाव के अंदर रिजल्ट क्या रहे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ किधर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस क्षेत्र को विकसित करना है, विकास बनाना कराना है, हमारा मकसद ये होना चाहिए। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं आप सबके बीच में निश्चित रूप से अभी जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद में 1 महीना तक मुझे पंजाब के अंदर रहना पड़ा, पार्टी की ओर से मुझे वहां पर चुनाव के अंदर भेजा गया, फिर उसके बाद में कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी की वजह से मुझे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा, वहां पर लगभग 1 महीना तक वहां पर कुछ ऑपरेशन की वजह से मुझे वहां पर रहना पड़ा, तो उसमें लग गया समय। और उसके बाद में हरियाणा के अंदर भी पिछले 1 महीने से वहां पर चुनाव की वजह से मुझे रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं हरियाणा रहूं चाहे पंजाब में रहूं, लेकिन मेरा दिल है वो यहां पर बाड़मेर जैसलमेर में।
मैं आपके बीच में हूं, मैं हर समय, आज जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से आपके आज भी कोई बात होती है तो तुरंत उनसे बात करता हूं, या कोई मेरे पास में बात फोन आता है तो मैं उनसे उसका जवाब देता हूं। और मैं निश्चित रूप से मैं ये चिंता करता हूं, प्रयास करता हूं कि किसी भी प्रकार से मेरे क्षेत्र के लोगों की कोई प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका जितना जल्दी हो सके समाधान करके और उसका समाधान कर सके। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं जब सांसद था